Hi guys, welcome back to our channel Rinky Tutorial. This is me, Rinky, and welcome to another exciting video. So guys, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, आज मैं आप लोग के साथ डेस्क की स्किन पे किस तरीके से मेकअप करना है आज मैं आप लोग फुल ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब. सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा बेल बटन है उसे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें. गाइस, डस्की स्किन टोन पे मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जो कि एग्जैक्ट मेरा स्किन टोन है. जी हाँ, मेरा जो स्किन टोन आप देख पा रहे हो वो डस्की स्किन टोन है. तो अगर आपका भी जो स्किन है वो डस्की है या फिर डार्क स्किन टोन है या फिर सांवला जिसे हम कहते हैं सांवला स्किन टोन है तो आपके लिए आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. क्योंकि फेस्टिव सीजन पे जब हम मेकअप करते हैं तो हमारा जो मेकअप होता है वो केकी हो जाता है या तो ग्रेइश पड़ जाता है या फिर मेकअप जो है वो रिमूव होने लगता है. ठीक है, तो इस वजह से हमें अच्छी तरीके से मेकअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपने जैसे कि देखा वीडियो में कि मैंने पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर प्राइमर यूज़ किया है, नेक्स्ट यहाँ पर भी मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ. तो फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए. ठीक है, फाउंडेशन अगर आप अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो बेस है वो अच्छी तरीके से रेडी नहीं होगा जिस वजह से आपका जो मेकअप है वो ग्रे हो जाएगा और क्रीज करने लगेगा. फाउंडेशन का जो शेड है आपको एग्जैक्ट अपने स्किन टोन से मिलता जुलता शेड लेना है या फिर आप एक शेड लाइटर ले सकते हो ताकि अगर जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज हो तो ऑक्सीडाइज होने के बाद एग्जैक्ट आपके स्किन टोन का हो जाएगा. जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है ये एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का है. तो मेकअप करने से पहले भी आपको अपना स्किन केयर अच्छे से कर लेना है. अगर आप अपने स्किन केयर को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तब भी आपका मेकअप जो है वो ग्रेइश पड़ सकता है, क्रीज कर सकता है. ठीक है, अपने मेकअप को अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको अच्छी तरीके से अपने फेस को रेडी कर लेना है. जैसे कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया है आपको क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग अच्छी तरीके से कर लेना है, उसके बाद प्राइमर अप्लाई करना है, फाउंडेशन अप्लाई करना है. अब फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट से अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ. जी हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कॉम्पैक्ट से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है ताकि आपका जो बेस है वो अच्छी तरीके से लॉक हो जाए और बिल्कुल भी क्रीज ना करे. तो यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमारा जो फेस होता है वो फ्लैट हो जाता है. ठीक है, तो उसे हम अच्छे से शेप में देने के लिए कॉन्टोरिंग करते हैं या फिर ब्रॉन्ज अप करते हैं. तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग करके दिखा रही हूँ एंड आप देख सकते हो मेरे फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक शेप में आ चुका है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ ब्लश. तो ब्लश आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ओवर द टॉप नहीं जाना है, नेचुरल वे में आपको ब्लश का एप्लीकेशन करना है. तो जैसे कि हम फेस्टिव मेकअप कर रहे हैं तो हमें अपना मेकअप जो है वो ओवर द टॉप नहीं करना है, एकदम नेचुरल वे में हमें मेकअप करना है, हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ. आईब्रोज फिल इन के लिए मैंने यहाँ पे जेल आईलाइनर का यूज़ किया है. आप चाहो तो पाउडर से भी आप अपने आईब्रोज को फिल इन कर सकते हो. तो मैं अपने आईब्रोज़ को लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहती हूँ तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जेल का यूज़ किया है. ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो आईब्रोज़ है जैसा आप फिल इन करते हो वैसा ही वो 9 से 10 घंटे आपके आईज़ के ऊपर में स्टे करता है. तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इस स्टेप को फॉलो किया है. अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप. तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइटर शेड का कंसीलर लिया है जो कि मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है. आप अगर चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना तो लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसके थ्रू डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं. तो गाइज, हम जो मेकअप आज कर रहे हैं वो फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशली क्रिएट कर रहे हैं. डे टाइम के लिए हम जो मेकअप करते हैं तो उसमें हमें हमारा बेस जो है वो बहुत ही सिंपल रखना पड़ता है और आई मेकअप जो है उसे भी सिंपल रखना पड़ता है. ठीक है, लाइटर शेड का येलो कलर लिया है और उससे मैंने क्रीज के ऊपर डिपॉजिट करना स्टार्ट किया है. तो ट्रांजिशन शेड जो हम यूज़ करते हैं वो हमेशा लाइटर शेड का होना चाहिए, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है. ठीक है, और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है. उसके बाद मैं यहाँ पे लाइटर पिंक शेड ले रही हूँ, उसे आउट ऑफ वी पे प्लेस करते हुए मैं उसे ब्लेंड करूँगी. बहुत ही हल्के एंड सॉफ्ट हाथों से आपको उसे ब्लेंड करना है. ब्लेंडिंग जितने अच्छी तरीके से आप करेंगे आपका आई मेकअप उतना ही फ्लॉलेस रहेगा, कोई भी उसमें लाइन्स विजिबल नहीं होंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ देने के लिए मैंने यहाँ पे री एप्लीकेशन किया है.
जब तक आपको आपका डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता है तो आप हल्का हल्का शेडो लेकर वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमर लिया है और उसे फिंगर की हेल्प से मैं 1/3 आईलिड तक उसे प्लेस कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही सिंपल आई मेकअप आज हमने क्रिएट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल ले रही हूँ और काजल के साथ ही मैं हल्का सा विंग क्रिएट करूँगी। ज़्यादा हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम डे टाइम के लिए मेकअप कर रहे हैं। अगर आपकी आईज़ बिगर हैं तो आप वहाँ पे बोल्ड विंग क्रिएट कर सकते हो। मेरी आईज़ हुडेड है तो इस वजह से मैं यहाँ पे स्मॉल विंग क्रिएट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफ कैमरा फॉल्सेस अप्लाई कर लूँगी। अगर आपको फॉल्सेस अप्लाई करना नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी मेकअप फिक्सर से, ताकि जो मेरा मेकअप है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए मेरे फेस पे, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहे। लास्टली मैंने यहाँ पे ये शुगर पॉप का लिपस्टिक अप्लाई किया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे साड़ीज एंड ज्वेलरीज को वेयर कर लिया। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस बार दुर्गा पूजा में इस तरीके से डे टाइम पे तैयार हो सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।